कानपुर एनकाउंटर का आरोपी विकास दुबे गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हुई विकास दुबे की गिरफ्तारी। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में पीएम मोदी का संबोधन। चीन से मुकाबले के लिए भारत को मजबूत करेगा अमेरिका। निशाने पर गांधी परिवार, मोदी सरकार ने बिठाई फंडिंग जांच। मशहूर कॉमेडियन और वरिष्ठ अभिनेता सुरमा भोपाली का निधन। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए। कानपुर एनकाउंटर का आरोपी विकास दुबे की तलाशी कई राज्यों में कर रही थी पुलिस। हालांकि आखिरकार पुलिस को सफलता मध्य प्रदेश से हाथ लगी। पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद से मध्य प्रदेश तक वह आसानी से एक गाड़ी में पहुंचा जो पूरी तरह सेफ थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बंदिशों के बाद भी विकास दुबे आखिर कैसे इतना लंबा सफर कर पाया। ब्रिटेन में आज से इंडिया ग्लोबल 2020 की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया भर में आपने भारत की प्रतिभा बल के योगदान को देखा है। भारत टेक उद्योग और तकनीकी पेशावरों को कौन भूल सकता है। वह दशकों से रास्ता दिखा रहे हैं। भारत प्रतिभा की शक्ति वाला घर है जो योगदान देने के लिए उत्सुक है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग के लिए पेशकश करेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में चीन की आक्रमणता को रोकने के लिए अमेरिका इस तरह के कदम उठाने जा रहा है। अखबार की इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नजर में भारतीय सीमा पर चीन आक्रमणता को लेकर भी है। 15 जून को एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। राजीव गांधी फाउंडेशन के फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करेंगी। इस कमेटी की अगुवाई सीमांचल दास स्पेशल डायरेक्टर प्रवर्तन निर्देशालय करेंगे। फिर से बॉलीवुड को लगा बड़ा झटका। शोले फिल्म में सुरमा भोपाली के किरदार से फेमस हुए वरिष्ठ अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन जगदीप जी का निधन हो गया है। वह कैंसर पीड़ित थे और उम्र संबंधी समस्याओं से भी लड़ रहे थे। अभिनेता जगदीप जी का निधन बुधवार रात को 8:30 बजे हुआ और गुरुवार को 11:00 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत सरकार के बाद अब भारतीय सेना ने लगाए 99 ऐप्स पर बैन। भारतीय सेना ने अपने जवानों के स्मार्टफोन से 99 ऐप्स को डिलीट कराने का निर्देश दिया है। इन ऐप्स में फेसबुक, पबजी, इंस्टाग्राम और ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स के नाम भी शामिल है। अब बिना किसी डॉक्यूमेंट के बनवा सकते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड बनवाने के लिए पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, लेकिन अब बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी आधार कार्ड बन सकता है। आप आधार केंद्र पर मौजूद इंट्रोड्यूसर की मदद ले सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने बिना डॉक्यूमेंट्स आधार बनवाने की सुविधा दी है। नेपाल में कुर्सी बचाने के लिए कोरोना के बहाने आपातकालीन लगाने की तैयारी में है भारत विरोधी पीएम केपी ओली। उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी लगाने पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि जनता के साथ अपनी पार्टी का भी भरोसा खो चुके ओली अपना सरकार बचाने के मकसद से ऐसा करना चाहते हैं। कोरोना की रफ्तार देश में और तेज हो गई है। पिछले 24 घंटों में सामने आए कोविड 19 के सबसे ज्यादा 24,879 नए मामले, 487 की मौत। नए मामले सामने आने के बाद देश में 7,67,296 केस हो चुके हैं। वहीं कुल मौतों की संख्या 21,129 हो चुकी है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15 जुलाई को होंगी ऑनलाइन बैठक, पीएम मोदी होंगे शामिल। यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने बताया कि शिखर सम्मेलन में साझा सिद्धांतों और कानून के शासन, स्वतंत्र और लोकतंत्र के मूल्य के आधार पर राजनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान यूरोपीय संघ और भारत के लोगों को ठोस लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डेली टॉप 10 न्यूज देखने के लिए देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद।